सीधी तस्वीरें आपको रायसेन की मंडी दीप से दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अपनी व्यवस्थाओं से हमारे भारतीय लोगों के काम करने के कई मिथक तोड़े, जो हमारे बारे में चलता था। कई सारे मामलों को लेकर के हमारे को एक अलग रूप में जाना जाता, हम भारतीय है, कहीं समय का पालन हो ही नहीं सकता है, हम व्यवस्थाओं के इस जैसी आदत पड़ी है उसको बदल नहीं सकते हैं, हमारा जो हो रहा है चलने दो राम भरोसे। स्वच्छता जैसे मिशन को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री ने जब लाल किले से पहली बार बात कही तो बहुत अटपटी लगी लोगों, लेकिन जो उनने सिस्टम बनाया, हम सब उस बात को जानते हैं, चाहे स्वच्छता का मामला हो, इसकी सबसे बड़ी उनकी शासन की सुशासन की व्यवस्था है। हमने देखा है जब नोटबंदी की थी पूरे देश को, क्या दुनिया के बाजार हिल गए, नोटबंदी पूरी भारत जैसे विशाल देश में। मैं स्वयं अपना उदाहरण बताता हूं कि मैं टीवी के डिबेट के कार्यक्रम में बैठा हुआ था, मैं भोपाल से 3-4 जिलों से मिलकर जाने के लिए अपना दौरा कार्यक्रम बना के आया था, और जैसे ही उन्होंने कहा कि अभी आज रात मेरे समापन के बाद 12 बजे बाद ये 500 के नोट बंद होंगे और इस सिस्टम को तुरंत लागू करेंगे, सच में मैं भी हिल गया। मैंने उस डिबेट का जो अपना हेडफोन वगैरह लगाया निकाला, हमने कहा भैया मैं बाद में करूंगा, मेरे को गाड़ी का पेट्रोल भरवा लूंगा, नहीं तो उज्जैन में रह जाऊंगा, क्योंकि ये मोदी जी का जमाना, कोई और नेता होता तो अपन कहते आज कहा है 8 दिन बाद पालन होगा, 4 दिन बाद होगा, लेकिन ये इनका हिसाब किताब हम सब जानते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखा देते, चाहे कोविड का कठिन समय हो, हम सब जानते हैं मोदी जी ने उस दौर में जो बात कही थी, इतने बिगड़े हुए हेल्थ सिस्टम में, मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, हेल्थ का इतना बड़ा हमारा देश, विविधता वाला, विविध भाषाओं वाला, नदी पहाड़ पर्वत रेगिस्तान समुद्री इलाका, कहाँ कहाँ लोग सियाचिन से हड्डी जमा देने वाली बर्फ वाला इलाका, लेकिन पूरा देश एक नेता के एक आह्वान पर कोविड जैसी कठिन बीमारी के दौर में भी न केवल बाहर आया, बल्कि वो जो टीके लगा करके उसका दर्ज करने का जो एक लाए थे, इसलिए आईटी कंपनी के माध्यम से पूरे देश में दुनिया के अंदर बताया कि हमारे देश में बदलते दौर में भारत कहां से कहां पहुंच गया। आपका 6 महीने में टीका लगा हुआ है, आपको 1 साल में लगाना है, एक एक व्यक्ति 142 करोड़ लोगों में से इतना बारीक हिसाब रखना, ये आईटी के बिना संभव नहीं हो सकता। जोरदार ताली बजा, ये नई व्यवस्था के लिए डिजिटल पेमेंट, क्या दुनिया देखती रह गई हमारी तरफ के ये डिजिटल पेमेंट हो सकता है क्या? लेकिन ये दौर ऐसा ही है, और इस सबके कारण से आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, और इसी प्रकार से सुव्यवस्था के बलबूते पर 3री अर्थव्यवस्था की तरफ हम पढ़ रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ मध्यप्रदेश के अंदर जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, वैसे तो ये बना हुआ एरिया 1974 का है, एचईजी दबाई थी, लेकिन 1982 में मंडी द्वीप का इंडस्ट्रियल एरिया बना था और प्रथम फेज का काम हुआ था, लेकिन अभी मुझे बताया गया है कि हम मिलकर के इसको स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहते हैं। तो मैं आपके इस पूरे अभियान की अभी से शुभकामना करता हूं, तो सरकार पूरी आपके साथ रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 25 एकड़ के लेटेड फैक्ट्री एवं प्लग एंड प्ले सुविधा का विकास शीघ्र किया जाएगा, इसमें 300 करोड़ का खर्चा सरकार के माध्यम से होगा। 300 करोड़ में ताली वाली तो बजना चाहिए, क्या होगा? वर्तमान में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 85 करोड़ के अलग अलग अधोसंरचनाओं के काम जारी है। आपने कहा नर्मदा का पानी चाहिए, अरे नर्मदा जी का पानी क्यों नहीं आना चाहिए, जरूर आएगा, चिंता मत करो। आपके इस मंडीदीप के लिए पानी की समस्या बहुत दिन से है, नर्मदा के पाइपलाइन से पानी ला करके देने की जवाबदारी सरकार की, हम इस पर काम कर रहे हैं। 1100 हेक्टेयर से अधिक के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में सभी प्रकार के औद्योगिक संरचनाओं का चरणबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके माध्यम से
खास करके अभी हमने बैठे थे जब यहाँ आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, मैं आपके काम को भी समझ रहा था। हमने पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज 55 जिलों में खोले और कई प्रकार के रोजगार के मामले में आपकी इस कंपनी को जोड़ते हुए नेटलिंक के माध्यम से स्वरोजगार पाने की दिशा में, और केवल स्वरोजगार पाने के लिए, स्वरोजगार खड़ा करवाने के लिए सभी प्रकार की संभावना का ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज तो केवल संक्षेप में मेरी अपनी ओर से कल 15 अगस्त की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता का ये दिवस हमारे जीवन में कई सारे लोगों के बलिदान के बाद आया है। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद आजादी का ये पर्व 1947 में हमको देखने को मिला है और लंबा समय निकला, लेकिन अभी ये जो 10 साल निकले हैं, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, यही नेतृत्व रहे। और जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। और हम आज 14 अगस्त आज के इस दर्दशाली दिल को भी नहीं भूल सकते। आज ही 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, दुर्भाग्य से 14 अगस्त को देश ने अपना बंटवारे का दर्द झेला है, और बंटवारे के दर्द में विभाजन की जो विभीषिका होती है, जो कष्ट होता है, जो लोगों ने भोगा है अपनी सनातन संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश से प्रेम करने के लिए, जो भारत में रात को सोए थे 13 अगस्त, उनको 14 अगस्त के बाद भारत नहीं मिलने वाला था, कोई और देश के वासी हो रहे थे, वो विदेशी हो रहे थे, तो लोग जो अपने देश से प्रेम करना चाह रहे थे, उन्होंने अपना मकान, दुकान, जमीन, जायदाद जो भी उनके पास था सब छोड़ करके केवल अपने देश से देश प्रेम और सनातन संस्कृति के लिए वो हमारे देश में आए। मैं उस बात को इसलिए जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे कष्ट के समय में जब दुनिया का वो सबसे बड़ा एक तरह से भीषण नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के समय हुई घटनाओं को अगर हम भुला देंगे तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे इस देश के वर्तमान के दौर के साथ भी अन्याय करेंगे। जो देश अतीत की गलतियों को भूल करके आगे बढ़ते हैं, उस देश को आने वाले समय में उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ हम अपने उस विभाजन की विभीषिका को भी याद रखेंगे, उस समय की गई गलतियों को भी याद रखेंगे, और उससे सबक लेते हुए ता उम्र अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।